हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वर्ब टेंस को। तो कल भी हमने वर्ब टेंस को डिस्कस किया था, कौन कौन सी वर्ब कैसे कैसे फिल होगी। आज जो हमारा रहेगा ये भी हमारा वर्ब टेंस टॉपिक रहेगा। ओके, तो एन और फर्स्ट सेंटेंस इज एन ऑर्डिनेंस डैश प्रोमल्गेटर टू रेगुलेट ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड होगी या थर्ड होगी। अब हैव बीन तो है नहीं, अगर हैव बीन होता तो यहाँ पे लग जाता, बट अदरवाइज यहाँ पे आपका हैविंग विंग हैव बीन नहीं है, तो यहाँ पे आपका आएगा हैड बीन। ठीक है, थर्ड वन इज योर राइट आंसर। देन सेकेंड, बाय एंड लार्ज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल डैश लाइक्ड बाय एवरीवन। वो कह रहा है बाय एंड लार्ज जो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पीपल हैं वो आर लाइक्ड बाय एवरीवन। वो हर एक पीपल आर लाइक्ड बाय एवरीवन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर। बस थर्ड सेंटेंस इज डैश यू पास द एग्जामिनेशन। अब इसका आप क्या बोलेंगे कि आप अपना एग्जामिनेशन पास कर चुके हो, जब कर चुके थे तो दिस इज द सी इज द राइट आंसर, हैड यू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका सी राइट आंसर रहेगा। देन आई डैश हार्ड वर्क हाउ एवर हार्ड इट मे बी। वो कह रहा है मैं आई, अब क्या आएगा आई विल हार्ड वर्क हाउ एवर हार्ड इट मे बी। मैं हार्ड वर्क करूंगा चाहे वो जिस जैसा भी हार्ड हो मेरे लिए, तो आई विल आएगा यहाँ पे। द नेक्स्ट इज योर फॉर हिज नोबेलिटी द गिफ्ट ऑर्डर टू मी डैश वेरी लवली। द गिफ्ट ऑर्डर टू मी आर आएगा, गिफ्ट आर नहीं तो नहीं आएगा क्योंकि गिफ्ट है। अब एम तो नहीं आएगा, वो भी सिंगुलर के लिए का, यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज इज द राइट आंसर। देन अ स्टूडेंट मे वॉन्ट टू नो हाउ मेनी स्टेजेस इंसेक्ट्स डैश बिफोर दे बिकम बटरफ्लाइज। वो कहता है स्टूडेंट मे वॉन्ट टू नो, वो ये चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हाउ मेनी स्टेजेस इंसेक्ट्स डैश बिफोर दे बिकम बटरफ्लाइज, कितने स्टेजेस के बाद जो है इंसेक्ट्स जो है वो मतलब बिफोर दे बिकम बटरफ्लाई बनने से पहले कितने स्टेजेस से गुजरते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला, गो थ्रू। ठीक है, गो थ्रू इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ यू डैश योर सेल्फ तो देयर इज देयर नथ देयर इफ नथिंग इन विच यू कांट सक्सीड। इफ यू क्या आएगा, इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ आएगा, बैकआउट आएगा, ब्रिंग इन आएगा, गेट अलोंग विद आएगा, बिलीव इन आएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिलीव इन यूर सेल्फ। अगर तुम खुद पे बिलीव करते हो तो इफ नथिंग इन विच यू कैन सक्सीड, तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सक्सीड होने से रोक सकता है। आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू डैश दिस डिफिकल्ट शेड्यूल। कहता आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू, मैं सोचता हूँ कि वो इस योग्य नहीं होगा डैश दिस डिफिकल्ट शेड्यूल। तो अब आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सोचिए अच्छे से। तो राइट आंसर आपका इसका रहेगा कीप अप विद, आई थिंक ही विल नॉट बी एबल टू कीप अप विद दिस डिफिकल्ट शेड्यूल के साथ, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म एंड हैवी रेन द फ्लाइट वॉज। वो कहता स्टॉर्म और हैवी रेन की वजह से जो स्लाइट थी वो क्या होगी, स्लाइट हैवी रेन द फ्लाइट वॉज क्या आएगा, कैरीड ऑन हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, चेक्ड आउट हो जाएगा, क्या आएगा, तो राइट आंसर रहेगा कॉल्ड ऑफ। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, दिस एनकरेजिंग एक्सप्लेनेशन हैज गिवन हिम द विल टू डैश विद हिज ड्यूटीज एंड ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है जब हम बहुत एक्साइटमेंट से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंथुसियाज्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका कैरी ऑन। दिस एनकरेजिंग एक्सप्लेनेशन हैज गिवन हिम द विल टू कैरी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा कैरी ऑन, इसका राइट आंसर।
After a long debate, the problems were dashed, and the main problem turned out to be merely misunderstanding at the end. तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्लियर अप. आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट एंड प्रॉब्लम्स वर क्लियर अप. लॉन्ग डिबेट के बाद जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई थी, क्लियर अप हो गई थी, मतलब सॉल्व हो गई थी. ठीक है. व्हेन माय पेरेंट्स वर अब्रॉड आई डैश माय स्मॉल सिस्टर, वो कह रहा है जब मेरी पेरेंट्स अब्रॉड थे, आई आई यहाँ पे आपका क्या आएगा, टुक आफ्टर तो नहीं आएगा, कैप्टन टच आएगा, जहाँ चेकड अप आएगा, लुकड अप ऑन आएगा, केयर्ड फॉर आएगा, बताइए क्या आएगा यहाँ पे. यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा केयर्ड फॉर, आई केयर्ड फॉर माय स्मॉल सिस्टर, की मैं उस टाइम केयर करती थी. वी हैव टू डैश दीज मॉस्किटोज इन ऑर्डर टू स्लीप विदाउट बीइंग इंटरप्टेड. हमें क्या रहना चाहिए, वी हैव टू डू अवे विद दीज मॉस्किटोज, तो क्या आएगा इसका, डू अवे विद. ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा. 14. द ओल्ड प्रोफेसर डैश लास्ट नाइट बिकॉज अ हार्ट अटैक. ओल्ड प्रोफेसर क्या हो गया, पास्ड अवे हो गया, यहाँ पे पास्ड अवे आएगा इसका, पास्ड अवे लास्ट नाइट, पिछली नाइट वो उनकी डेथ होगी ड्यू टू हार्ट अटैक के कारण. तो डी इज द राइट आंसर. You have to dash the things which you learn many things times during a day in order not to forget them. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, गेट डू ओवर, सॉरी यू हैव टू डू ओवर द थिंग्स विच यू हैव लर्न मैरी मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे इन ऑर्डर नॉट टू फॉरगेट देम. डू एवर जो रहेगा ये आपका राइट आंसर रहेगा. 16. कैन यू डैश हाउ टू यूज दिस टूल. तो कैन यू डैश हाउ, क्या तुम मतलब क्या कर सकते हो, हाउ टू यूज की इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, तो राइट आंसर फिगर आउट. कैन यू फिगर आउट, क्या तुम फिगर आउट कर सकते हो, बता सकते हो इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं. ठीक है. 17 इज योर लेट्स गो स्विमिंग, सॉरी बट आई डोंट डैश इट, वी मे टू टूमोरो बट आई वॉन्ट टू स्टे एट होम टूडे. तो लेट्स गो स्विमिंग, आओ स्विमिंग पे चले, सॉरी लेकिन आई डोंट, अब क्या आएगा यहाँ पे, आई डोंट, इसका राइट आंसर रहेगा आपका फील लाइक, आई डोंट फील लाइक इट, मैं उस तरह से अभी फील नहीं कर रहा हूँ, तो शायद हम कल चलेंगे. वी मे टू टूमोरो, हम वी मे टू गो टूमोरो, आई वॉन्ट टू स्टे एट होम, आज मैं घर पे ही रहना चाहता हूँ. द डॉक्टर वॉन्ट हिम टू गिव अप, यहाँ क्या आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए जितना तुम मतलब जितना जरूर जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल. इफ ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, अगर वो मरना नहीं चाहता है तो मतलब नहीं चाहता था, तो उसे क्या डॉक्टर ने वॉर्न किया था कि वो क्या कर दे, वो स्मोकिंग को छोड़ दे. तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा आपका गिव अप. ठीक है. नेक्स्ट. आई मिस द लेसन ऑन द शॉर्ट स्टोरी यस्टरडे बट द टीचर टोल्ड अस दैट ही वुड रिपीट द लेसन सो आई विल बी एबल टू डैश व्हाट आई मिस्ड. तो राइट आंसर रहेगा आपका मेकअप फॉर, सो आई विल बी एबल टू मेकअप फॉर व्हाट आई मिस्ड. वो कहता है आई मिस द लेसन, मैंने कल लेसन को मिस कर दिया था जो शॉर्ट स्टोरी पे था, लेकिन टीचर ने मुझे बताया कि ही वुड रिपीट द लेसन, कि वो क्या करेगी लेसन को रिपीट करेगी, इसलिए आई विल बी एबल टू मेकअप फॉर, बट मैं उस चीज को मेकअप कर लूंगा, मतलब फिर से रिवाइज कर लूंगा, बट जो टीचर ने मिस किया था मैं उसको फिर से कवर कर लूंगा. ठीक है. हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर कुरशाद प्लीज, ही हैज जस्ट एंटर्ड हिज ऑफिस, आई कैन डैश यू सर, आई कैन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा पुट थ्रू यू सर. तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी, सी इज द करेक्ट वर्ब. ठीक है, जो हमारा यहाँ पे फिल होगा. तो गाइज ये आपके 20 सेंटेंसेस थे जो आपके वर्ब्स थे, वर्ब के थे आज जो हमने सॉल्व किए हैं. तो नेक्स्ट दिस इज फॉर योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज, घर में बैठे अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए. आज तो मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन किस सेंटेंस में फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कीजिए. तो नेक्स्ट टाइम हम इसको प्रॉपर तरीके से इसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे. तो ये जो है ये हमने कल
आपको दिया था, ये बहुत ही सिंपल थे और ये कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहा, माई ब्रदर नोज हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन, मेरा ब्रदर जानता है कि एरोप्लेन को कैसे फ्लाई करते हैं। ही डैश अ पायलट, वो क्या है, एक पायलट है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। यस, कहता है यस आई एम, मैं हूं। ठीक है, आई लाइक माई कजन बट ही डैश ऑलवेज लेट, मैं अपने कजन को पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है वो, बट ही इज वेरी ऑलवेज लेट, लेकिन वो हमेशा ही लेट होता है। आर वी ऑन टाइम, क्या हम टाइम पे हैं। व्हाट टाइम इज इट नाउ, अब कौन सा टाइम है। देखिए ये सारे ही आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो यहाँ पे फिल हुए हैं, ये आपके मेन वर्ब्स फिल नहीं हुए हैं, ये सब ही आपके हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं। इज एम आर यूज हुआ है और ये दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब। माई फ्रेंड एंड आई डैश बोथ स्टूडेंट एट द सेम स्कूल, मेरा फ्रेंड और मैं, हम दोनों क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। आर आएगा ठीक है, क्योंकि माई फ्रेंड और आई दोनों दो हो गए ना, तो यहाँ पे इसलिए प्लूरल के लिए आर आया। ओ नो डैश आई लेट फॉर द फाइनल हिस्ट्री एग्जाम, ओ नो क्या मैं लेट हूँ फाइनल हिस्ट्री एग्जाम के लिए। एम आएगा। सेवंथ, ही इज फ्रॉम इटली, शी इज फ्रॉम स्पेन एंड मिको एंड हीरो आर फ्रॉम जापान, वो कहता है वो इटली से है, वो स्पेन से है, और ये मिको और हीरो जो है दे आर फ्रॉम जापान, ये दोनों ही क्या है जापान से है। दैट मूवी डैश फनी, वो कहता है वो जो मूवी थी इज नॉट फनी, वो फनी नहीं थी, इनफैक्ट इट्स क्वाइट बोरिंग, वो क्या थी, बहुत ही बोरिंग थी। देयर डैश मैनी पीपल इन मैनी इंग्लिश माई इंग्लिश क्लास, वो कहता है देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग थे मेरी इंग्लिश क्लास में। कैथी एंड किम डैश वेरी गुड फ्रेंड्स, दे लाइक टू गो शॉपिंग टूगेदर, वो कहता है ये दोनों जो हैं ये क्या थे, आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, दे लाइक टू गो शॉपिंग टूगेदर। तो गाइज ये 10 सेंटेंसेस थे जो कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आज हमने सॉल्व कर दिए। आई होप कि आपने सारे आंसर आपके ठीक रहेंगे, और ये जो प्रीवियस वीडियो है ये आपको जो मैंने आपके पीछे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।